मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा, तीन गुना तेज गति से काम करूंगा, तीन गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर पर सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 फॉर 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहे, और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े।